हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एस एन फूड। तो आज मैं आप लोग के लेके आई हूँ बूंदी वाली कढ़ी की रेसिपी। तो आइए कढ़ी बनाना शुरू करते हैं। तो कढ़ी बनाने के लिए बैटर रेडी करना होगा। उसके लिए मैंने बेसन ले लिया, ये अंदाज से एक कटोरी, एक छोटी कटोरी बेसन है। अब इसमें मैं नमक डाल देती हूँ, ये एक चम्मच नमक, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच ये अदरक लहसुन का पेस्ट है वो डाल देंगे। अब इन सबको मिक्स करना है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें। इसमें पानी और ऐड करेंगे। उससे पहले हम दही डाल देते हैं। ये दही एक छोटी कटोरी लिया है मैंने। मिक्स कर लेंगे सबको। ऐसे विस्कर की हेल्प से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ज़रूरत पड़ने पर पानी ऐड करेंगे। इसमें अब तक मैंने एक गिलास पानी ऐड कर दिया है। इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए, स्मूथ बैटर बनना चाहिए। तो ये हमारा बैटर रेडी हो चुका है। अब हम कढ़ी बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। तो गैस पर कढ़ाई चढ़ा लें और उसमें ऑयल डालें। मैं यहाँ सरसों तेल का यूज़ कर रही हूँ, आप जो खाते हो वो डाल सकते हैं। तो ये 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल डाला मैंने, गर्म होने देंगे। तो ऑयल अब हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें ये मैंने लिया है आधा छोटी चम्मच जीरा, आधा छोटी चम्मच मेथी और चुटकी भर हींग और आधा छोटी चम्मच से थोड़ा कम राई। इन सबको डाल देंगे हम और ये 2 तेज पत्ता। इन सबको एक बार तड़क जाने देंगे। अब इसमें मैं डालूंगी ये 4 हरी मिर्च को मैंने ऐसे मोटा मोटा कट कर लिया है, ये डाल देंगे इसमें। इसको फ्राई कर लेंगे। हरी मिर्च हमारी फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसमें ये 1 बारीक कटा हुआ प्याज डालूंगी। मिक्स कर लेंगे इसको, गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसमें बेसन का बैटर डालेंगे। तो इसमें अब बैटर डाल देती हूँ मैं। मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें पानी ऐड करेंगे। तो 1 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ मैं। पानी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर ये थिक लग रही हो तो और पानी डाल सकते हैं। तो कढ़ी में एक बार हम बॉईल आने देते हैं। बॉईल आने के बाद हम इसमें बूंदी ऐड करेंगे। तो गाइस, ये कढ़ी में बॉईल आ चुका है। तो अब हम इसमें बूंदी डालेंगे। और हाँ गाइस, जैसे जैसे कढ़ी बनती है उसकी कंसिस्टेंसी थिक हो जाती है। तो मुझे इसमें 3 गिलास पानी और ऐड करना पड़ा। तो आप अपने हिसाब से वाटर ऐड कर सकते हैं। तो इसमें ये 1 कटोरी बूंदी लिया है मैंने, डाल देंगे इसमें। मिक्स कर लेंगे और इसको 10 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। पक जाए तो फिर हम इसमें तड़का लगाएंगे। कढ़ी हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसके लिए तड़का बनाएंगे। तड़का बनाने के लिए मैंने एक पैन गैस पर रख दिया। उसमें 1 चम्मच ये देसी घी ले लिया है, ये होममेड घी है। आप घी के जगह पे ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मेल्ट कर लिया है। अब मैं इसमें ये 4 सूखी लाल मिर्च को ऐसे तोड़ लिया है और ये
आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच राई और चुटकी भर हींग ले लिया है। सबको डाल दें। आपके पास अगर कड़ी पत्ता हो तो आप वो डालें ज़रूर, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मेरे पास अभी है नहीं इसलिए मैं स्किप कर रही हूँ। इसको अच्छे से तड़क जाने दें। तड़का हमारा रेडी हो चुका है तो अब मैं इसको हमारी कड़ी को डाल दूंगी। मिक्स कर लेंगे। आप देख रहे होंगे कि कड़ी हमारी थिक होते जा रही है, तो इसमें अपने हिसाब से वाटर ऐड करेंगे। और आपको अगर ज़्यादा थिक पसंद हो तो आप ऐसे भी खा सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ी सी ये कटी हुई धनिया डाल दूंगी। मिक्स कर लेंगे। कड़ी हमारी रेडी हो चुकी है। सॉरी गाइस, वो तड़का लग रहा है। तो कड़ी हमारी रेडी हो चुकी है, अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। गाइस, मैंने कड़ी को सर्व कर दिया, उसके ऊपर धनिया पत्ती स्प्रिंकल कर दिए। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। गाइस, सब्सक्राइब और लाइक करने के कोई चार्जेस नहीं होते, बट हम जैसे न्यू यूट्यूबर्स जो हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। सो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए अगर आपको अच्छी लगी हो तो, और फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।